जैसा मैं किसी दर्द के किसी खास हिस्से का सदका करना, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सदका होता है कि हम डायरेक्टली किसी इंसान का सदका करते हैं, जैसे खुदा ने खास अगर किसी की नज़र लग गई है तो हम उसका पूरा सदका करते हैं। ये नहीं करते कि भाई उसकी उंगली को चोट लगी है, हम जी उंगली का सदका करके आते हैं और किसी के कोई 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 मतलब जर्दा खिला दिया या बिरयानी खिला दी या किसी भी हालत में सदका कर दिया। तो इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि हम किसी जिस्म के किसी हिस्से का सदका करें, बल्कि सदका ये होता है कि जब भी कोई अस्तग़फ़ुल्लाह अल्लाह हमारी हिफाज़त फरमाए, जब भी किसी को तकलीफ आए तो आप राइट अवे सदका करें, क्योंकि सदका एक ऐसी एक प्रोटेक्शन है जो कितनी बलाएं टाल देती है। तो हमें जितना ज़्यादा हो सदका करना चाहिए, लेकिन ये अपने दिल में ये नियत न रखें कि हमारे पेट में दर्द हो रही है हम पेट का सदका करने चले गए, उंगली दर्द हो रही है तो उंगली का सदका करने चले गए, सर दर्द हो रही है तो सदका करना चले गए, किसी को चोट लगी हाथ में हाथ का सदका करने चले गए। अगर किसी को फिर कोई बुरा वक्त आया, कोई आजमाई चाहिए, तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा आप सदका कंटिन्यू करते रहें इसको, क्योंकि सदका एक ऐसी चीज़ है कि और कितनी बलाएं जो आपकी टल जाएंगी सदका करने से।